स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सही अब सत्या के प्यार में कुछ इस तरह पागल हो गई है कि अब वो डॉक्टर सत्या के सामने अपने हाथों की नस काटकर अपने प्यार का इजहार कर रही है। डॉक्टर सही अचानक से डॉक्टर सत्या के केबिन में घुसती है और फिर फिल्मी बातें करके डॉक्टर सत्या को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। डॉक्टर सत्या को समझ नहीं आता कि आखिर डॉक्टर सई जोशी को क्या हो गया है और फिर अचानक से अपनी नस काटकर डॉक्टर सत्या से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सब देखकर डॉक्टर सत्या के तो पूरी तरह होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर सई जोशी तो कभी ऐसी थी ही नहीं, फिर अचानक से ये क्या हो गया इसको, कुछ यही सोचते रहते हैं डॉक्टर सत्या। दरअसल सई जब से सत्या के घर गई है और जब से उसने देखा है कि सत्या को सभी घर पे सई के नाम से चिढ़ाते हैं, तब से सई और भी सत्या को चिढ़ाने लगी है और ये भी एक उसी का नमूना है। वैसे ये बात भी किसी से छुप नहीं रही है कि सई आजकल डॉक्टर सत्या की कंपनी बहुत एंजॉय करती है, उनके साथ में लंच करना बहुत पसंद करती है और साथ ही खूब सारा टाइम स्पेंड करना भी उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डॉक्टर सत्या की वाइब्स ही कुछ ऐसी हैं कि सब इनकी चार्मिंग अदाओं के दीवाने हो जाते हैं। ऐसा करते हुए विराट सई को देख लेता है। विराट जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खोलेगा उसे सरप्राइज मिलेगा। अब ये क्या सरप्राइज होगा ये तो देखना ही होगा। सई सत्या को सत्तू सत्तू नाम से चिढ़ा रही है क्योंकि उसने देखा है उसके घर में सब सत्या को सत्तू कहते हैं और बातों बातों में सई सत्या से पूछती है, आखिर तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, जब तुम इतने ही चार्मिंग हो तो तुम्हें कोई मिला क्यों नहीं। तब सत्या डॉक्टर सई से कहता है, ये तो बात पक्की है कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ और मेरी इस चार्म की शायद आप भी अब दीवानी होती जा रही हैं। बस ऐसी ही कुछ मीठी मीठी बातें कर सत्या सई को विचारों के कटघरे में छोड़कर चला जाता है। सत्या सई से ये भी कहता है, मैं इतना चार्मिंग नहीं होता तो आप भी मेरी दीवानी नहीं होती, मेरे आजू बाजू ना घूमती। ये सब सुनकर सई भी सोच में पड़ जाती है, आखिर डॉक्टर सत्या ये क्या कहकर चले गए। इधर दूसरी ओर सई की आत्मा सई से बात कर रही है। सई का मन नहीं मान रहा कि वो विनायक को पत्रलेखा से अलग करे क्योंकि वो देख चुकी है कि विनायक पत्रलेखा से कितना प्यार करता है और सई की आत्मा भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रही है। इन हालातों के चलते आखिर क्या करेगी सई। इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।